हल्द्वानी में देवखड़ी नाला अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। काठगोदाम क्षेत्र में हल्की सी बरसात के बाद ही देवखड़ी नाला भारी उफान पर आ गया, जिसके बाद आज सुबह भारी तांडव मचा। इस दौरान पानी के तेज बहाव में कारें बहने लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कार इस नाले के बीचों बीच फंस जाती है। वहीं पुलिस के मना करने के बावजूद भी कार चालक इस नाले को पार करने का प्रयास कर रहे हैं और एक ही जगह पर ये कार फंस गई है। ये हमारे जो नैनीताल का जो पर्वतीय भूभाग यहाँ से शुरू होता है, उसमें रैपिड रेन की दशा में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन जाती है। तो जो हमारे रपटे हैं, नाले हैं, वो कई बार बहुत त्वरित अल्प समय में ही उनमें बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको लेकर आपने देखा भी होगा कि सभी रपटों पे सिंचाई विभाग द्वारा वार्निंग बोर्ड्स भी ऑलरेडी वहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग उनकी अनदेखी करते हुए भरे हुए पानी में उतर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएँ होती हैं। अभी हम लोगों ने कुछ जगहों पर रेलिंग्स लगाई हैं, आगे भी इसको दिखवा रहे हैं, जहाँ पर भी आवश्यकता होगी रेलिंग्स लगाई जाएंगी। साथ ही जो चेतावनी बोर्ड हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे। देखिए, ये आज सुबह अचानक से काफ़ी 2-3 घंटे में 102 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद से नदी नालों में काफ़ी जलस्तर बढ़ गया था। उसी समय ये सूचना हमें मिली है कि दो वाहन जो है पुनः पानी बढ़ने के बाद भी उसमें उतर गए थे। हालांकि वहाँ पर जब से रेलिंग स्थापित की गई है, उसके बाद से किसी दुर्घटना से वो उससे बचाव हो सका है। फिर भी हम लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि जब भी नदी नालों में जलस्तर बढ़े तो स्वयं उसमें निर्णय लें कि उन्हें उसमें नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम समय में बिना चेतावनी के जलस्तर बढ़ता है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद मैदानी क्षेत्र में लगातार बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में कुछ दिन पहले भी एक बाइक सवार इस बरसाती नाले में बह गया था, जिसका शव लगभग 5 दिन के बाद बरामद हुआ था। आज सुबह भी दो गाड़ियों में सवार लोगों की जान आफत में फंस गई, जब इस नाले को वो पार कर रहे थे। हल्द्वानी से राहुल सिंह धर्मवाल की रिपोर्ट।